हेलो एवरी वन स्टार्ट करते हैं के स्टडी का क्वेश्चन जो कि बेस्ड है अपलिकेशन ऑफ ट्रगनाट्री पे और ये क्वेश्चन मेटेर बुक्स के क्वेश्चन पेपर से लिया है मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ए फ्लैग स्टाफ स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ फाइव मीटर हाई टावर एक फ्लैग स्टाफ है जो कि फाइव मीटर टावर के ऊपर खड़ा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज सिक्स डिग्री एंड फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फोर्टी फाइव तो फ्लैग फ्लैग स्टाफ के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से ग्राउंड से सिक्सटी डिग्री है और उसी पॉइंट से जो टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो फोर्टी फाइव डिग्री है तो बेस ऑन द दबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तो इसने बोला है ड्रॉ एन नीट लेवल डायग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन सिचुएशन ठीक है तो देखो सबसे पहले इस सिचुएशन का डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन होगा तो इसने बोला भाई एक पाँच मीटर ऊंचा टावर है ठीक है तो ये हो गया फाइव मीटर का टावर ठीक है इसके ऊपर एक है फ्लैग स्टाफ ये हो गया फ्लैग स्टाफ ठीक है अब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से इनका एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है फोर्टी फाइव और सिक्सटी ठीक है ये हमें दे रखा है फ्लैग स्टाफ का फोर्टी सॉरी टावर का फोर्टी फाइव और फ्लैग स्टाफ का सिक्सटी इसको नेम देते हैं ये हो गया ए बी सी टी ठीक है जी ये बी सी हमारे पास टावर है और सी डी हमारे पास फ्लैग स्टाफ है ठीक है तो ये तो इसका डायग्राम बन गया फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया सेकेंड में इसने बोला है कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इसकी हाइट निकालनी है तो देखो अब इसमें काम पे लग जाओ ये इसकी हाइट को मैंने लेट कर लिया एच ठीक है और इस डिस्टेंस को लेट कर लेता हूँ एक्स तो सबसे पहले इन छोटे ट्राइंगल में ए बी सी में इन राइट ट्राएंगल ए बी सी भाई परपेंडिकुलर गिवन है और बेस निकालना है पहले एक्स है ना तो परपेंडिकुलर बी सी अपन में बेस ए बी इज इक्वल टू टेन फोर्टी फाइव अप्लाई हो जाएगा कि एंगल फोर्टी फाइव है तो बी सी की वैल्यू फाइव अपॉन में मे एक्स टेन फोर्टी फाइव वन एक्स इज इक्वल टू फाइव मीटर ये एक्स की वैल्यू आ गई ठीक है अब इन बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी में तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी इन ए बी सी बी सी बी डी इज परपेंडिकुलर इन ए बीज बेस तो बी डी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू टैन ऑफ सिक्सटी क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फोर पॉइंट डी इज सिक्सटी डिग्री तो यहाँ पे आ गया एच प्लस का फाइव अपॉन मै एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री ठीक है तो ये तो आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एच प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स रूट थ्री एक्स की वैल्यू हमारी आ गई फाइव तो एच प्लस फाइव इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री एच इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री माइनस का फाइव यहाँ पे कोमल लूंगा फाइव तो आएगा रूट थ्री माइनस वन मीटर तो ये हमारे पास आ गया हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ ठीक है ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया अब उसके बाद थर्ड पार्ट के लिए उसने बोला है सेकेंड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट के लिए उसने बोला है इफ एट सम अदर पॉइंट द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ एलिवेशन इज थर्टी किसी और पॉइंट पे टावर के जो टॉप का एंगल है थर्टी डिग्री है देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस न्यू पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ठीक है किसी नए पॉइंट से मैंने मान लिया नया पॉइंट हो गया मान लो पी ये थर्ड पार्ट नया पॉइंट हो गया है कोई पी जिसका इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट का कितना है थर्टी डिग्री और टावर का लेंथ हाइट कितना है फाइव तो ये आपका बी और सी नेम दे रखा था हमने से तो अब इसका आपको ये डिस्टेंस निकालना है ठीक है इसको मैंने मान लिया सपोज करो वाई तो एन राइट ट्राइंगल पी बी सी पी बी सी बी सी अपन में बी पी बी सी अपन बी पी इज इक्वल टू टेन थर्टी बी सी हो गया फाइव अपॉन में बी पी हो गया वाई इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू फाइव रूट थ्री मीटर तो ये आपके पास हो गया डिस्टेंस ऑफ न्यू पॉइंट फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर ठीक है अब इसका इसमें एक और वाला पार्ट भी है नेक्स्ट पेज पे देखो और वाले पार्ट में क्या बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द टावर एंड द पॉइंट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज थर्टी डिग्री आपको डिस्टेंस निकालना है टॉप ऑफ टावर का और उस पॉइंट से जहाँ पे तीस डिग्री का एंगल बन रहा है तो मतलब आपको इसमें टॉप ऑफ टावर ही हो गया और पॉइंट तीस वाले हो गया मतलब आपसे सी पी पूछा है इसमें ठीक है तब तो देखो यहाँ पे आपको पता है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस uh, आपको निकालना है तो परपेंडिकुलर पार्ट में हाइपोटेनियस हो जाएगा साइन तो और वाला पार्ट आपका बी सी अपॉन में सी पी इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एंगल कितना है थर्टी ठीक है अब बी सी की वैल्यू फाइव और सी पी की वैल्यू तो फाइंड करनी है साइन थर्टी वन बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो सी पी इज इक्वल टू आ गया टेन मीटर तो ये आपके पास आ गया डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द टावर एंड द न्यू पॉइंट ये आपके पास आ गया टेन मीटर ठीक है तो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट